A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the first lecture on the class 10th, chapter number 7 and the exercise 7.2. I hope you will enjoy this lecture. So please look at the board. Question number 1. Find the coordinate of the point. मतलब आपके पास यहाँ पर एक point है और आपको उसके coordinate को find out करना है. It means आपको the value of x and y आपको find out करनी है. Which divide the joint of these two points? तो ये point क्या करता है? These two points को join करने वाली line segment को ये divide करता है in the ratio of 2:3 में. तो यहाँ पर आपको point के coordinate कैसे find out करने हैं? इसके लिए एक simple सा formula use करना है जिसको हम कहते हैं section formula. तो अब हमारा जो टॉपिक है ये है सेक्शन फॉर्मूला. अब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले तो आपको दो पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है आपको. तो मैंने यहाँ दो पॉइंट्स लिए, लेट कर लेता हूँ. ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट बी है. इसके कोऑर्डिनेट लेट करता हूँ एक्स वन वाई वन है, इसके कोऑर्डिनेट लेट करते हैं एक्स टू वाई टू. और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट आपका सी है, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ एम रेशो एन में, ये डिवाइड करता है. तो आपको इसके कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं एक्स और वाई. इट मीन्स आपको फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स होते हैं वो इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करना होता है. सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉरवर्ड मूव करना है ऐसे, फिर आपको बैकवर्ड मूव करना है ऐसे. तो सबसे पहले ये स्टेप है फर्स्ट, उसके बाद दिस वन इज योर सेकेंड स्टेप. तो जब आप x के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x की टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे, हम y को यूज नहीं करेंगे. तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, इसका मतलब m की मल्टीप्लाई किससे होगी, x2 से. तो ये बन जाएगा m इंटू एक्स टू, फिर साइन आएगा प्लस का, फिर आप पीछे यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे. अब यहाँ n है और यहाँ पे x वाली टर्म कौन सी है, x1, तो ये मल्टीप्लाई किया बन जाएगा n इंटू एक्स वन, डिवाइड में दोनों का सम, रेशियोज का सम m प्लस n. तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिल जाएगी x की. अब आपको वैल्यूज निकालनी है y की. जब आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x वाली टर्म को भूल जाइए. सेम प्रोसेस, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ से है, m की मल्टीप्लाई किससे होगी, y2 से. सो m इंटू वाई टू, फिर यहाँ इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, y1 से. तो प्लस n इंटू वाई वन, और डिवाइड में सेम दोनों का सम, रेशो का सम क्या आ जाएगा, m प्लस n. तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस वन इज द वैल्यू ऑफ y. तो ये आ गया आपके कोऑर्डिनेट. अब जब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आप इससे कंपेयर करिए, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर रेशोज क्या है, 2:3, जबकि यहाँ रेशो क्या है, m रेशो n. इसका मतलब यहाँ m की वैल्यू कितनी है, 2, और n की वैल्यू कितनी है, 3. यही टर्म है हमारे पास. फिर जब हम इसकी बात करते हैं इन पॉइंट्स की, तो सबसे पहले तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इसी टाइप से आपको सिखाता हूँ इन शॉर्ट में. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड. अब देखिए सबसे पहले हमारे दो पॉइंट कौन से हैं, ये पॉइंट्स हैं, मैं इनको लिख लेता हूँ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, 7 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, -3. और ये पॉइंट हमारा सी है जिसके कोऑर्डिनेट आपको एक्स कोमा वाई आपको फाइंड आउट करना है, और किस रेशो में डिवाइड करता है, ये 2:3 में. प्रोसेस सेम रहेगा, सबसे पहले हमें फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करनी होती है फिर बैकवर्ड, यही स्टेप करेंगे. तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो, एग्जाम की बात करते हैं तो आपको प्रॉपर अटेम्प्ट करना है, फुल मार्क्स लेने हैं, तो इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा. तो फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, ऐसे अटेम्प्ट करना है सेक्शन फॉर्मूला.
x इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू वाई टू प्लस, सॉरी x का लिख रहे हैं हम, m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन डिवाइड में m प्लस n। सिमिलरली y का फॉर्मूला क्या था, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइड में m प्लस n। तो फॉर्मूला लिख दीजिए, अप्लाई आपको पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और ये हमारा सेकंड स्टेप। तो पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, एक्स को। तो टू की मल्टीप्लाई एक्स वाले कोऑर्डिनेट क्या है, देखो आपको ये पता है यहाँ पर क्या होता है, एक्स और वाई। जब भी पॉइंट्स लिखा जाता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट वाई। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की। तो सबसे पहले आगे जाएंगे, टू की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फोर से, टू इंटू फोर प्लस, फिर सेकंड स्टेप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस वन से, थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन डिवाइड में रेशियोज का सम, टू प्लस थ्री। इसको और सिंप्लीफाई कर दिए, टू फोर ज़ा एट, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, और टू प्लस थ्री फाइव। तो ये क्या बन गया, फाइव फोर में फाइव इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, वन। तो x इज इक्वल टू वन। सिमिलरली आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करिए मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम फॉरवर्ड जाएंगे, फर्स्ट स्टेप, टू की मल्टीप्लाई y से, टू इंटू माइनस थ्री प्लस, फिर सेकेंड स्टेप पीछे आना है, थ्री की मल्टीप्लाई सेवन से, थ्री इंटू सेवन डिवाइड में रेशियोज का सम, टू प्लस थ्री। तो यहाँ क्या बन गया, y, टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स, थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन, टू इन प्लस थ्री फाइव। तो दिस बिकम्स 15 अपॉन में 5 इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा जो पॉइंट है इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है, 1, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.3। आई होप आपको समझ आया होगा, इट्स वेरी इजी। द होल एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन सिंगल फॉर्मूला, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यहां भी आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ऑफ ट्राई सेक्शन। यहां देखिए ट्राई का मतलब थ्री सेक्शन, इसका मतलब क्या है, आपके पास जरूर क्या गिवन होगा, एक लाइन सेगमेंट होगी, पार्टिकुलर दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। देखिए ध्यान से, ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स तो वही है। फर्स्ट पॉइंट आपने ए लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट है आपका 4, -1। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, -2, -3। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, नॉट पॉइंट, पॉइंट्स फाइंड आउट करने के हो, क्योंकि जब आप ट्राई सेक्शन की बात करते हो, थ्री सेक्शन की बात करते हो, तो एक पॉइंट तो क्या करता है, लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होता तो आप कहते हैं एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये, तो एक पॉइंट लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड करता है। तो तीन सेक्शन में कितने पॉइंट्स डिवाइड करेंगे, टू पॉइंट्स। तो हमें लेट कर लेते हैं, ये मेरा पॉइंट पी वन है और दिस वन इज P, लेट कर लेता हूँ, इसको क्यू लेट कर लेता हूँ, इजी है। तो आपको इन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, पी के और क्यू के। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे देखिए, सबसे पहले देखना है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब तीन सेक्शन और तीनों के तीनों इक्वल सेक्शन में होने चाहिए, इसका मतलब उनका रेशो क्या होना चाहिए, सेम। और सेम रेशो है तो उनका रेशो को क्या लेट करोगे, 1:1:1। तो यहाँ रेशो क्या हो जाएगा, 1:1:1। तो आप सोच रहे होंगे सर इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एक पॉइंट को एक टाइम पर कंसीडर करें तो हम उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यस। तो यहां आप दो केस में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लो। तो हमारा केस वन, केस फर्स्ट, आप फाइंड क्या कर रहे हो, फाइंड पॉइंट। सबसे पहले मैं पॉइंट फाइंड आउट करता हूं पी, तो P पॉइंट को कंसीडर करो और Q पॉइंट को इग्नोर कर दो। तो लाइन क्या बन गई आपकी, ये A B, A के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और -1, एंड B के कोऑर्डिनेट है -2 और -3, और ये हमारा पॉइंट क्या है, P। तो P से लेफ्ट कितना रेशो है, 1, और P से राइट कितना रेशो है, 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा 1:2।
इट मीन्स आपको करना बिल्कुल सेम टू सेम है। अब सेकेंड केस में क्या हो जाएगा आपका, केस सेकेंड, अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, फाइंड पॉइंट क्यू। अब क्यू को कंसीडर करो और पी को इग्नोर कर दो, तो ये तो पॉइंट सेम रहेंगे, ये पॉइंट फोर और माइनस वन, ये पॉइंट माइनस टू और माइनस थ्री। अब ये पॉइंट है हमारा क्यू, इसके लेफ्ट में कितना रेशो है, वन और वन टू, तो ये टू, और राइट में कितने रेशो है, वन, तो ये बन गया टू रेशो वन। तो सेम वही स्टेप करना है आपको, यहाँ भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपका पी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यहाँ से आपका क्यू कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं कैसे अप्लाई करूँगा, आपको ये पता है पहला स्टेप क्या होता है, फॉरवर्ड। पहला स्टेप क्या है, आपको आगे जाना है। तो x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, कुछ टाइम के लिए y को हम भूल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, 1, 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, 1 इंटू माइनस टू, फिर प्लस, फिर पीछे आएंगे, यहाँ पे क्या है 2, अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x वाले टर्म से, 4 से, 2 इंटू 4, डिवाइड में दोनों का सम 1 रेशो 2, तो 1 प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, ये 1 इंटू टू माइनस टू प्लस 2 इंटू 4 एट डिवाइड बाई 3, इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, 5 बाई, सॉरी कट के वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 8 माइनस टू 6 बाई 3 इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, फिर पहले आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 प्लस, अब पीछे की मल्टीप्लाई 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड में दोनों का सम 1 प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, ये माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5 और 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5 बाई 3। तो आपका पॉइंट कौन सा आ जाएगा, 2 कोमा माइनस 5 बाई 3। तो ये केस क्या आ गया आपका, फर्स्ट पॉइंट। अब सेम टू सेम आपको सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब आपको क्यों फाइंड आउट करना है, सेम स्टेप करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस टू प्लस, अब बैकवर्ड मल्टीप्लाई सेकेंड स्टेप, अब 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 1 इंटू 4 डिवाइड में दोनों का सम 2 प्लस 1। अब जैसे x की करिए, अब y की करेंगे, पहले फॉरवर्ड मल्टीप्लाई, y कहाँ है, ये रहा 2 इंटू माइनस 3, फिर प्लस, अब बैकवर्ड, y कहाँ है, ये रहा 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड में दोनों का सम 2 प्लस 1। अब सॉल्व करिए इसको, 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, 0 बाई 3, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ सॉल्व करिए, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स माइनस 7 बाई 3। तो आपके क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0 और माइनस 7 बाई 3। याद रखिएगा, सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं फिर इसको, नो, सबसे पहले x आएगा और फिर y। तो दिस वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट। तो p और q आपके क्या आ गए, 2 पॉइंट्स हो गए, दैट इज योर आंसर। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है। अभी तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है, हाफ लिखी है, अभी हाफ और स्टेटमेंट लिखूंगा, और इस टाइप का डायग्राम आपकी बुक्स में प्रिंट है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होगी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी। तो जो आपका स्कूल ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो मैंने देखो ये रेक्टेंगल बना दी, तो नाम क्या है इसका, ए बी सी डी। तो ये क्या है आपका, एक
आपका रेक्टेंगुलर स्पोर्ट्स ग्राउंड है। इसके बाद लाइंस हैव बीन ड्रोन विद चॉक पाउडर, तो मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की गई है किसकी हेल्प से, चॉक पाउडर की हेल्प से, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। इसका मतलब क्या है, जो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का है। तो यहाँ से यहाँ भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, इट मीन्स जो विड्थ है ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राउंड की वो कितनी हो गई, 10 मीटर की। क्यों, क्योंकि आपने कितनी लाइंस ड्रॉ की है, रेक्टेंगुलर लाइंस, लेकिन यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कितनी लाइंस, इसलिए मैंने थोड़ी सी अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कितनी लाइंस ड्रॉ कर ली, 10, लेकिन ये कंटिन्यूसली क्या रहेगा, चलता रहेगा। सभी लाइन में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन कितना है, 1 मीटर इन ईच पेयर ऑफ लाइन, हर एक पेयर ऑफ लाइन में डिस्टेंस आपका 1 मीटर का है। अब नेक्स्ट रीड करिए, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर और अलोंग ए डी, ए डी कहाँ पर है, ये रहा ए और ये रहा डी। इसका मतलब ऐसे आपने क्या करा, फ्लावर पॉट्स रखे और ईच फ्लावर पॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर का। जैसे दो पेयर ऑफ लाइन के बीच, हाँ, दो लाइंस के बिटवीन में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, सेम टू सेम दो फ्लावर पॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 1 मीटर। तो आपने हर एक मीटर के बाद क्या रख दिया, एक फ्लावर पॉट रख दिया। इस टाइप से आपने कितने फ्लावर पॉट्स रखे हैं, 100 फ्लावर पॉट्स। तो ये मेरा फर्स्ट फ्लावर पॉट्स है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे करते करते मैंने 100 फ्लावर पॉट्स अलोंग ए डी अरेंज कर दिए। अब आगे पढ़िए, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। अब निहारिका इस लाइन के अलोंग क्या करना है, उन्हें रन करना है। अब निहारिका रन दौड़ती है 1/4 किसका, द डिस्टेंस ऑन द सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन पर वो दौड़ती है, इसका मतलब यहां पर कौन है, यहां पर निहारिका है और निहारिका जब दौड़ती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1/4। ये टोटल डिस्टेंस कितना है अलोंग एडी, 100 फ्लावर पॉट्स है और एक एक फ्लावर पॉट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अलोंग एडी, 100 मीटर। तो मैं लिख देता हूं, जो डिस्टेंस है ए डी वो कितना है, 100 मीटर। तो निहारिका कवर्ड, निहारिका कवर्ड कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो कितना आ गया ये, 25 मीटर। तो निहारिका जब दौड़ती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 25 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो पॉइंट्स आएगा, निहारिका जब रन करेगी तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब देखिए, इसको हम कोऑर्डिनेट की टर्म्स में स्पेसिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं क्या बना लेता हूँ, अपनी एक्स एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस है और इसको क्या बना लेता हूँ मैं, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखनी होती है। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर है वो, 2, और वाई डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर गई वो, 25 मीटर। तो ये जो पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 25, इसका मतलब जो ये पॉइंट है निहारिका वाला पॉइंट वो मेरा कौन सा आ गया, 2,25। तो इस पार्ट को मैं रब करूंगा, अब नेक्स्ट पार्ट को फिर से लिखूंगा क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द वर्ड, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट क्या था, निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, फिर उसने क्या करा, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और जहां पर पहुंची वहां पर क्या करा उसने, ग्रीन फ्लैग लगा दिया। तो मैंने ये ग्रीन मार्कर लिया, इस ग्रीन मार्कर से फिल कर देता हूँ, ये ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग पोस्ट करा, मतलब वहां पर लगा दिया। आगे देखिए, फिर प्रीत, यहां पर एक और गर्ल आ गई प्रीत, प्रीत रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ए डी अलोंग ऑन द 8th लाइन, मतलब 8th लाइन से वो दौड़ना स्टार्ट करती है, 8th लाइन यानी, अब 8th लाइन पर कौन है, प्रीत, ये प्रीत है,
अब ये प्रीत दौड़ना स्टार्ट करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1/5। तो 1/5 आप निकाल सकते हो, प्रीत डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा, 1/5, और एडी का डिस्टेंस कितना है, 100, तो कितना आ गया, 20 मीटर। तो वो यहाँ से दौड़ती है और कहाँ तक पहुँच जाती है, 20 मीटर तक। तो ये कौन है, प्रीत। तो इसके भी कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने हैं। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पर है, 8 पर, और अलोंग वाई एक्सिस कौन से पॉइंट पर है, 20। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, 8, 20। ये मेरा पॉइंट आ गया। और उसने क्या करा, पोस्ट ए रेड फ्लैग को उसने पोस्ट कर दिया। तो मैं रेड फ्लैग के लिए रेड मार्कर यूज कर लेता हूं। ये उसने रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया। अब आगे देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग। अब आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है आपको, ये डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैं यहाँ तक का पार्ट रब कर देता हूँ। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ अब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस किस किस का, डिस्टेंस बिटवीन, निहारिका छोड़ दीजिए, ये कौन सा फ्लैग था, ग्रीन फ्लैग, और ये कौन सा फ्लैग था, रेड फ्लैग। तो डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड द रेड फ्लैग ये निकालना है। पॉइंट्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट को हम क्या लेट करते हैं, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये क्या बन जाएगा आपका, x1 y1, और ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा आपका, x2 y2। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था, डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये अप्लाई करना है। सबसे पहले देखो x2 कितना है यहाँ पर, 8, x1 कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 20, और y1 कितना है, 25 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, 8 - 2 6 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और ये कितना हो गया, 25, 5 और 6 कितना हो गया, 11 और 6, इसका मतलब √61 मीटर। ये क्या आ गया आपका, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसके लिए मुझे फिर से रब करना पड़ेगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अब क्या कहा आपसे, इफ रश्मि, इसका मतलब एक अनदर गर्ल है जिसका नाम क्या है, रश्मि, हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, उसे ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, लगाना है, एग्जैक्टली द हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के ज्वाइनिंग से मिड पे। हाफ का मतलब क्या होता है, मिड, इसका मतलब यहां पर उसे क्या लगाना है, यहां पर ब्लू फ्लैग कहां पर लगाना है, इन मिड पे, मिडल पे लगाना है। तो यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूं जिसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं, निकालते तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से है, लेकिन आप शॉर्टकट में इसको याद कर सकते हो। जैसे ये मैं दो पॉइंट को लेट कर लेता हूं, दिस वन इज माय पॉइंट x1 y1, और ये पॉइंट है आपका x2 y2, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में, जो एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, दोनों सेक्शन सेम है, तो इनका रेशो क्या आ गया, 1:1। अब मैं यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूँ, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी। सबसे पहले आप फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे, x की बात कर रहे हैं तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × x2,
एक्स टू भी मिलेगा आपको। फिर बैकवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स वन है, एक्स वन इंटू वन एक्स वन ही आएगा, डिवाइड में दोनों का सम वन प्लस वन कितना हो गया टू। इसी टाइप से जब हम वाई की बात करेंगे, फॉरवर्ड मल्टीप्लाई वन इंटू वाई टू वाई टू प्लस फिर वन इंटू वाई वन डिवाइड बाई टू। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, जब आपको मिड पॉइंट निकालना है कोई भी मिड पॉइंट, दोनों की एक्स की वैल्यू को ऐड करो और डिवाइड बाई टू, इसी टाइप से दोनों की वाई की वैल्यू को ऐड करो डिवाइड बाई टू, उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था आपका ये। तो आपको बताना है कि वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा पॉइंट है ये एक्स और ये वाई, ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक्स टू की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर, देखो एक्स टू कितना है एट प्लस एक्स वन कितना है टू डिवाइड बाई टू। वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई टू कितना है ट्वेंटी और वाई वन कितना है ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू। तो ये कितना बन गया 10 बाई टू फाइव। इसका मतलब वो कहाँ पर रन कर रही है, फिफ्थ लाइन में, और यहाँ से ये कितना बन गया 45 डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 22.5 मीटर। इसका मतलब वो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट आ गए, ये कोऑर्डिनेट कौन कौन से आ गए, वो फिफ्थ लाइन पर है और उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है 22.5 मीटर। यहाँ पर हमारा कौन सा फ्लैग पोस्ट है, ब्लू कलर का। आई होप आपको समझ आया होगा, इट्स वेरी इजी, बट एक एक्टिविटी टाइप से ये क्वेश्चन था, तो इसको आप टिपिकल मत मानिए, इसको वेरी वेरी इजी लेक्चर करिए। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज़ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक नया कॉन्सेप्ट है जिस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा अपोजिट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। फाइंड द रेशो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, रेशो फाइंड आउट करने हैं, जबकि पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या थे, आपको रेशो गिवन था और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे। यहाँ पर अपोजिट हो गया, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और रेशो किस में डिवाइड होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो आपका क्वेश्चन वैसा ही है, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए -3 और 10 ए पॉइंट, और बी पॉइंट है हमारा 6 और -8 इज डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट है किस में डिवाइड करता है -1 और 6 में, ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट है। अब ये किस रेशो में डिवाइड करता है, तो जब भी आपको रेशो के क्वेश्चन फाइंड आउट करने हो तो आप उसको इजीली वे से फाइंड आउट कर सकते हो, और उसका मेथड होता है K-1। तो यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, उसको जिसके रेशो आपको फाइंड आउट करने हैं उसको लेट कर लीजिए K-1। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो हम M-N मानते थे, यस मानते थे, यहाँ पर M-N को मैंने चेंज कर दिया K-1 में। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, आपको रेशो गिवन है M-N, ये गिवन है, मैं दोनों साइड को N से डिवाइड कर देता हूँ। यदि मैं दोनों को N से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा N/N, तो ये बन गया मेरे पास M/N और ये बन गया N/N है ये, तो N से N कट के क्या रह गया 1। अब ये जो M/N है मैंने इसको लेट कर लिया K, तो ये मेरा क्या बन गया K-1। इसका मतलब K कुछ और नहीं है, K क्या है हमारा M/N है। तो जब आपको K की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप M और N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अब मैंने इसको क्या लेट करा है K-1, स्टेप वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम, फॉरवर्ड मल्टीप्लाई और फिर बैकवर्ड मल्टीप्लाई। तो हम X की बात करते हैं सबसे पहले, X कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते थे, पहले फॉरवर्ड, तो K की मल्टीप्लाई X से करेंगे तो K × 6 क्या बन जाएगा, ये 6K प्लस। अब बैकवर्ड, 1 की मल्टीप्लाई x वाले से करेंगे -3 × 1 -3 और डिवाइड में क्या होता है रेशोज का सम K+1। ऐसे यहाँ पे जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y इज इक्वल टू, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मैं इसको अब रब कर देता हूँ,
आप सिंपल ये समझ लीजिए के हमारा क्या है, एम बाई एन है। अब वाई कैसे निकालोगे, पहले फॉरवर्ड के की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे माइनस, तो माइनस के 8k। अब 1 की वाई से करेंगे, यहाँ 10 है, 10 इंटू 1, 10 डिवाइड में k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर x और y आपको फाइंड आउट नहीं करने, जबकि गिवन है, आपको पता है ये कोऑर्डिनेट ये ही हम फाइंड आउट करते थे, तो इसका मतलब ये कोई और नहीं है, ये x है और ये क्या है आपका y। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस 1, ये कितना बन जाएगा माइनस 3 अपॉन में k प्लस 1। इसी तरह से यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k माइनस का 1 इज इक्वल टू 6k माइनस के 3। माइनस 3 को लेफ्ट साइड में ले आइए, प्लस का 3 बन जाएगा, और माइनस k को राइट साइड में ले जाइए तो ये प्लस का k बन जाएगा। तो यहाँ से माइनस 1 एच इट इज, तो देखो मैंने माइनस 1 को एच इट इज रखा है और नेगेटिव 3 को यहाँ लिया है पॉजिटिव 3, और माइनस के को राइट साइड में ले गया, तो ये बन गया आपका 7k, ये बन गया 2। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 2/7। ऐसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 6k प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 8k प्लस 10। माइनस 8k को इधर ले आओ, 6k प्लस में 8k हो जाएंगे, 6 को राइट साइड में ले जाओ, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 14k इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4/14, 2 की टेबल से कट कर दो 2/7। इसका मतलब यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा, सेम। अब देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7, और k क्या होता है हमारा, m रेशो n, तो m रेशो n कितना हो गया, 2/7। तो आपका आंसर कितना आ गया, m रेशो n, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 7। तो आपका आंसर आ गया कि ये किस को, इस पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:7 में। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक बार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने को कहेगा और एक बार आपको रेशो फाइंड आउट करने को कहेगा। सो इट्स वेरी इजी, सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट